आयशाज कुक बुक में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा दो प्याज़ा बनाने की रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर एक कप मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें एक लार्ज साइज़ कटी हुई चॉप्ड अनियन ऐड कर रही हूँ। चूँकि ये कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी है तो प्याज ज़्यादा हम ऐड करेंगे। अनियन को सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। तो जी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम विद इन 1 मिनट प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर मैं इसमें मिंस्ड बीफ ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 पाउंड्स के। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो बस कीमे का कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे ताकि ये रेड टोन से वाइट टोन पे आ जाए। यहाँ पर कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। अगर आप चाहें तो चॉप भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ हुए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काले मिर्च, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। स्पाइसेस भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और अब मसालों की खुशबू आने तक हम इसको कुक करेंगे मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। यहाँ पर मसालों और कीमा मिक्स बुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें 2 लार्ज साइज़ ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1 कप दही जा रहे हैं। मिक्स कर लूँगी सभी चीज़ों को। टमाटर और दही मिक्स करने के बाद अब हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इतनी देर कुक करेंगे कि ऑयल भी सरफेस पे आ जाए और सभी चीज़ों की अच्छे से बुनाई भी हो जाए। अब आपसे मिलते हैं मैक्सिमम 8 से 10 मिनट बाद। तो जी यहाँ पर अराउंड 10 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के चेक करते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऑयल भी सरफेस पे आ गया है और कीमा भी अच्छे से कुक है। अब इस पॉइंट पे मिक्स में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1 लार्ज साइज़ कटी हुई प्याज है जिसको लच्छे मैंने काट लिया है, लच्छेदार है, ये ऐड करेंगे। साथ ही 1 छोटे साइज़ की बेल पेपर, वो मैंने काट लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें चाहें तो ना करें। और यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तीखी नहीं थी इसलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर ज़्यादा तीखी हो तो 2 भी इनफ हैं, इनको भी मैंने काट लिया है, ये ऐड कर दें। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सूखी मेथी। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब फिर से हम ढक्कन लगा के दम वाली फ्लेम पे इसको रख देंगे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट। अराउंड 3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा में बंद कर रही हूँ और अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं कीमा दो प्याज़ा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, हरे धनिए से गार्निशिंग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है कीमा दो प्याज़ा की फाइनल लुक। साथ ही मैंने हरे धनिए और अदरक से गार्निशिंग कर दी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें।
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।